गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम शंभू सर, योर मैथ टीचर. वेलकम बैक टुडे. वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 2.3. दिस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड. ए वी हैव 1/4 ऑफ 1/2. क्लियर? फाइंड 1/4 ऑफ 1/2 मीन्स 1/4 into 1/2 equals to 1 1 जा 1 4 2 जा 8. क्लियर? चल नेक्स्ट है आपका. 1 मिनट. हाँ नेक्स्ट देखते हैं. सी 1/5 ऑफ 5/6. तो पहले से क्लियर है 1/5 ऑफ मीन्स इनटू 5/6. तो 5 बन जाए 5 कैंसिल हुआ, देन 1 रिमेनिंग क्या होगा, ये बन जा मीन्स 1 बन जा 1 अपॉन 6 बन जा 6. ये आंसर होगा. क्लियर? नेक्स्ट सिमिलर और ट्राई करते हैं. वी हैव डी 2/3 अपॉन 6/5. इसको ट्राई करते हैं. 2/3 सेम इट इज ऑफ इनटू 6/5. 3 1 3 3 2 6. भाई ये न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कैंसिल नहीं होता है, ओनली न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर जो कॉमन फैक्टर होता है उससे आप उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं. 2 2 4/5. मैक्स डी ट्राई करते हैं. डी वी हैव ई है 3/10 ऑफ 8/3, देन 1 3/10 ऑफ इनटू 8/3 3 1 3 एंड 2 4 8 2 5 10. क्या हमने 3 1 3 3 से 3 तो कैंसिल हुआ, 2 4 8 2 5 10. तो 4/5 इज योर आंसर. क्लियर? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग ए 4/9 इंटू अपॉन 2 इक्वल्स टू डैश अपॉन 18 इक्वल्स टू 2. क्लियर? क्वेश्चन दिया सेकंड क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग. यस कंप्लीट द फॉलोइंग एंड क्वेश्चन 4/9 इंटू डैश ये फाइंड करना है 2 इक्वल डैश अपॉन 18. इसको कंप्लीट करना है. तो देखिए एक्चुअल में ये तो क्लियर है कि 9 2 18 मीन्स ये टर्म आने वाला है, बट इससे कैसे सेंस लगेगा कि ये टर्म कौन सा है. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ 6/3 इक्वल्स टू 2. भाई 3 2 6/2 इक्वल्स टू 3 या 3/2. जो 2 आंसर है हमें मिला है वो हमने 3 से डिवाइड किया है किसको, 6 को, तो 2 मिला है. बट यहाँ देखिए ये तो हमें अंडरस्टूड है कि एक्चुअल में ये 6 था, बट हमने देखा थोड़ा देर इसको हिडन रखा, ये अंडरस्टूड नहीं है. तो देन वन हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इसको क्रॉस इनटू करते हैं. तो हम देखते हैं मीन्स यहाँ डिवाइड करना, बट इसको इनटू कर लें तो ये रिजल्ट मिलेगा, ये 6/3 2 3 2 क्या होता है हमारा 6. बात क्लियर हो रही है? देखते हैं. और भाई आपको आंसर 2 आ रहा है, तो आपने 4 से किस नंबर को डिवाइड किया है. हम देख रहे हैं कि 4 2 8 जो आपका कोसेंट है वो आपके डिवाइजर से आप इनटू कर लें. मींस आपने देखा कि 4/9 इनटू ये आपने अभी कंप्लीट नहीं किया है, ये अपॉन 2 इक्वल्स टू, तो आपने देखा इसे इनटू करते हैं तो 18 क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 8 16 और 2 1 2 1 3. ये क्लियर हुआ आपका स्टेप? कैसे? मींस आपने देखा कि सर 8/4 इक्वल्स टू 2 मीन्स ये जो है
ये एट इक्वल्स टू क्या होगा 4 2 जा एट। तो सिमिलर अब इस स्टेप में देखते हैं कि ये तो 9 2 18 है, तो 4 से हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा आंसर क्या मिलेगा आपको 36। तो देखते हैं, तो 4 बन जा 4 4 2 जा 4 3 जा 4 5 जा 4 6 जा 4 7 जा, तो 4 9 जा, क्लियर, 4 9 जा 36 मींस 4 upon 9 इनटू 9 upon 2 इक्वल्स टू 36 upon 18 इक्वल्स टू 2, इट्स योर आंसर, क्लियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।